20 से भी ज्यादा लग्जरी कारें, करोड़ों के बंगले, अरबों का होटल, एक नहीं अनेकों गर्लफ्रेंड, ये तो बस 10% है। दुनिया के सबसे महंगे प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोयले को भी छूते हैं तो वो हीरा बन जाता है। तो आज के वीडियो में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, उनकी संपत्ति के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की दौलत कितनी है? क्या 100 करोड़, क्या 500 करोड़, क्या 1000 करोड़, क्या 2000 करोड़, क्या 5000 करोड़? दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास दुनिया भर में 6000 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति मौजूद है। बात सिर्फ यही नहीं रुकती, पैसों के बाद भी एक ऐसी लाइफस्टाइल है जिसके बारे में सुनेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में रोनाल्डो ने एक आलीशान घर खरीदा था जिसकी कीमत लगभग 470 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा रोनाल्डो ने कोरोना वायरस की शुरुआती दौर में यानी कि 2020 में एक प्राइवेट आयरलैंड भी खरीदा था जिसकी कीमत 350 करोड़ रुपए जितनी होती है। रिपोर्ट के अनुसार रोनाल्डो ने ये आयरलैंड एंटार्कटिक ओशियन में मेडियारा के पास खरीदा था। इसके अलावा साल 2015 में रोनाल्डो ने न्यूयॉर्क के 5th Avenue ट्रंप टावर में 121 करोड़ का एक अपार्टमेंट भी खरीदा हुआ है। इस अपार्टमेंट का साइज करीब 2509 वर्ग फीट है। कहते हैं कि मोनाका के पोश इलाके में रोनाल्डो ने एक होटल भी खरीदी हुई है जिसकी कीमत 336 करोड़ रुपए जितनी होती है। रोनाल्डो एक फुटबॉलर है और ये पूरी दुनिया जानती है। बड़े बड़े क्लब्स के साथ उनके संबंध और नेशनल टीम के साथ खेलकर रोनाल्डो अरबों की कमाई करते हैं। इसके अलावा भी विज्ञापन ब्रांड को प्रमोशन और सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हुए रोनाल्डो सालाना करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। हर साल रोनाल्डो एंडोर्समेंट से लगभग 200 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। रोनाल्डो का एक शौक ये भी है कि तेज स्पीड से चलने वाले कारें खरीदना। रोनाल्डो को लग्जरी कारों का बहुत ही शौक है और इनके पास 20 से भी ज्यादा हाई स्पीड लग्जरी कारें मौजूद है। अगस्त 2020 में रोनाल्डो ने दुनिया की सबसे महंगी बुगाटी ला वॉयचर खरीदी थी जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपए होती है। इसके अलावा भी इनके पास लैम्बोर्गिनी के टॉप मॉडल्स, लैम्बोर्गिनी, फरारी, बुगाटी, रोल्स रॉयस जैसी कई कारें मौजूद है जो उनके गैरेज की खूबसूरती बढ़ाती है। जैसे कि आप जानते ही कि ये एक फुटबॉलर है तो इन्हें उनके बॉडी यानी कि शरीर की देखरेख सबसे पहले रखनी पड़ती है और इसी वजह से वो वीक में 5 दिन एक्सरसाइज जरूर करते हैं और वो सिगरेट और शराब जैसी चीजों से नफरत भी करते हैं। इसी वजह से रोनाल्डो ने अपनी लाइफ में आज तक सिगरेट को और शराब को हाथ तक नहीं लगाया है और वो नॉनवेज फूड खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन है तो कमेंट बॉक्स में उनकी फुटबॉल प्लेइंग के बारे में जरूर बताना और ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।